तो अभी हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंत्री सुधीर मौर्य जी हैं। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव का समय भी आ गया है तो क्या है जनता का मूड और क्या है इनकी तैयारियां। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव ट्रेंड्स में आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कि इस बार सबसे पहले आप अपना परिचय, उसके बाद ये बताइए कि क्या लगता है कि आपकी क्या तैयारियां हैं इस बार चुनाव को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो हमने काम किए हैं उस पे निश्चित तौर पर जनता को हमारे साथ आना चाहिए और कोशिश यही रहेगी कि जनता के बीच में हम अपनी समस्याओं को और जो हमने काम किए उसको लेकर हम जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस बार वोट किस पर पड़ने वाला है, विकास पर या फिर जाति पर? उत्तर प्रदेश में दोनों चीज़ें चलती हैं जी, जाति और विकास दोनों जी। जाति के समीकरण का खराब होगा तो नुकसान होगा और विकास की स्थिति खराब होगी तो नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को बैलेंस किया है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का ये कहना है कि ये सरकार जो है वो मात्र फीता काटने वाली सरकार है, तो इस पर क्या समझते हैं आप? अब उनका अपना विचार हो सकता है जी। कोई सरकार काम करती है, कोई सरकार जो है उसका रिबन काटती है, तो ऐसा नहीं है। एक सरकारी योजना होती है, आज हमने काम किया है, कल जो हम काम कर रहे हैं दूसरा कोई करेगा, इसमें तो कोई फीता काटने वाली विषय नहीं है। तो सरकार में जो सरकारी काम होते हैं, योजनाएं पूर्ण होती हैं, चलती रहती हैं, वो चलता रहता है, इसमें कोई किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए। अच्छा, चूंकि आप पार्टी के काफ़ी करीबी भी हैं तो क्या लगता है इस बार योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? अब ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कहाँ से लड़ेंगे और ये आपको पता चल जाएगा जी। लेकिन फिर भी आपके पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ बातें चलती होंगी, तो क्या उनमें से दो तीन नाम अगर आप हमें बता सकते हैं? नहीं, महाराज जी का अपना गोरखपुर क्षेत्र है और पहले तो पूरा प्रदेश है, वो चाहे तो मथुरा से लड़ें, चाहे अयोध्या से लड़ें, चाहे बनारस से लड़ें, ये तो उनको डिसाइड करना है और मैं समझता हूँ पार्टी के हित में होगा जो भी है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ हुआ, जो उन्हें प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पंजाब के ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी बीजेपी की, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी की चाल क्यों होगी, प्रधानमंत्री जी रैली में जा रहे थे जी। और ये तो पूरे पंजाब पर असल में कहा यह गया कि वहाँ पर कुर्सियाँ खाली थी, इस वजह से प्रधानमंत्री जी लौट गए। ये तो आपको पता है, सारी रैलियाँ आप अगर देखो जी। तो जिस समय की वो कुर्सियों का दिखा रहे हैं, वो कुर्सियाँ दोपहर मतलब 11 बजे से पहले की थी, पब्लिक कार्यक्रम होना था 2 बजे, तो पब्लिक तो धीरे धीरे आ रही है। वो तो हर जगह किसी की नेता की रैली होती है उसमें यही हाल होता है जी। भाई जब नेता के आने की शुरुआत होती है तभी पब्लिक मूवमेंट करती है, उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी तो पब्लिक कोई कम नहीं थी, बस ये है कि वो जो दृश्य दिखाया वो पहले का था। तो फटाफट आपसे जान लेते हैं कि इस बार कितनी सीटें, अब ये तो आप लोग तय करेंगे सीटें कितनी आएंगी, मुख्यमंत्री योगी जी ही या फिर कोई और चेहरा, ये भी पार्टी तय करेगी। वैसे तो आज मुख्यमंत्री हैं, वो भी कल वो भी मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि योगी जी कहीं ना कहीं उनमें और केशव प्रसाद मौर्य में कुछ एक चुनाव हो। नहीं, ये पार्टी फोरम की लड़ाई नहीं है जी। ये लड़ाई तो आप ये देखें केवल बाहर की है, मीडिया की लड़ाई है जी। पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये मोगी या ये डिप्टी सीएम, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हैं जी। और फटाफट ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जाति विकास दोनों पर? दोनों पर। अच्छा, तो वोट बैंक हिंदू मुस्लिम दोनों साथ लेकर चलना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका सम्मान वो नारा है और उसी पर काम करती है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और बताया कि दोनों के संतुलन में इस बार पार्टी वोट मांगने जा रही है और इनकी उम्मीद है कि 300 पार फिर से एक बार भाजपा बनाने जा रही है। धन्यवाद।